दोस्तों, आपने तो UPI पेमेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। UPI पेमेंट्स के द्वारा बहुत सारे ऐप्स के भुगतान होते हैं, जिसमें आप बैंक अकाउंट और रिचार्ज वगैरह ज़रूर करते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी आपको यहां पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज टेक्निकल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कि UPI पेमेंट्स के द्वारा भुगतान किए गए ये तीन ऐप्स जो कि हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो बहुत ज़्यादातर लोग इन तीन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें तीन ऐप्स है, एक पेटीएम है, दूसरा फ़ोनपे है और तीसरा है गूगल पे। गूगल पे है जो पहले तेज के नाम से चलता था, लेकिन अब उसे गूगल ने अपने तेज को गूगल पे के नाम से लॉन्च कर दिया है। तो आज में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे लिए कितना सेफ है और कितना अच्छा है, UPI पेमेंट को कितना सपोर्ट करता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए, पहला ऐप है हमारा गूगल पे। गूगल पे के बारे में हम आपको बताएं दोस्तों, ये इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है। इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों, ये इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आपको इसमें रिचार्ज, मोबाइल के रिचार्ज से लेके बैंक अकाउंट तक आप इसमें लिंक कर सकते हैं। एक साथ इसमें बहुत सारे बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। अगर इसके यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसमें यूज़र इंटरफेस थोड़ा हार्ड है, जो लोगों को समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये आपके सिक्योरिटी के मामले में ये बेहतर साबित है। गूगल पे से दोस्तों आप अपना मोबाइल का रिचार्ज और DTH रिचार्ज वगैरह वगैरह कर सकते हो। फ़ोनपे और पेटीएम में आपको वैलेट मिलता है, जबकि गूगल पे में आपको वैलेट नहीं मिलता है। तो थोड़ा, अगर आप किसी को भी पेमेंट डायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट से ही पैसे कटेंगे। गूगल पे में आपको दो वीक्स पॉइंट है। पहला तो इसमें कोई वैलेट नहीं दिया है। अगर आपके बैंक से कुछ भी रजिस्टर, मतलब कुछ भी होता है, अगर आप किसी का रिचार्ज करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके ये डायरेक्ट अकाउंट से कटेगा। और सेकंड वीक पॉइंट है कि इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा हार्ड है, जिसे समझने में थोड़ा आपको वक्त लग सकता है। अगर बात करें फ़ोनपे की तो इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही आसान है। इसमें भी आप एक बार में कई बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं कटेगा ट्रांजैक्शन करने पर। इसमें आप बिल रिचार्ज से लेके आप टीवी रिचार्ज तक कर सकते हैं। आप गोल्ड भी परचेस कर सकते हैं और हाँ, क्रेडिट कार्ड को भी इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो फ़ोनपे में दोस्तों आपको ऑफर्स भी मिलते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज को आप डायरेक्ट अपने वैलेट से भी पे कर सकते हैं। इसमें वैलेट दिया जाता है, जिससे आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे ना करके आप वैलेट से पे कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपको सिर्फ फ़ोनपे के लिए, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा इजली है, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें पेटीएम की तो पेटीएम भी एक अच्छा है, ये हम कहेंगे, लेकिन बात है कि उसको डायरेक्ट पेटीएम को अपने अकाउंट से लिंक करना ये किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने कभी न कभी सुना होगा कि ये पेटीएम हैक हो गया है। दोस्तों, पेटीएम में भी वैलेट दिए जाते हैं और पेटीएम में रिचार्ज से लेके आपको शॉपिंग तक का ऑफ़र्स मिलता है। वहाँ पे भी आपको ऑफ़र्स मिलते रहते हैं और आप वहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, टीवी शोज़ बुक कर सकते हैं, यानी कि पेटीएम में भी बहुत सारी सुविधाएं दी है। लेकिन मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट पूरा अकाउंट पेटीएम से लिंक ना करें दोस्तों, ये आपको खतरे से खाली नहीं है। आप उसका वैलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे पेटीएम वैलेट कहते हैं, वो पेटीएम वैलेट आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया और मेरा मानना है कि आप पेटीएम इस्तेमाल ना करें और गूगल पे आप इसलिए इस्तेमाल ना करें कि उसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा हार्ड है और उसमें आपको वैलेट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और मेरा सजेशन है कि आप फ़ोनपे इस्तेमाल करें, उसमें आपको वैलेट भी मिलेगा और ऑफ़र्स भी मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।